सारे गरीब आदमी चार जने 55,000 का बिल दे दिया। दिल्ली उसकी नहीं बनेगी, मोदी की दिल्ली नहीं बनेगी, मोदी की दिल्ली नहीं बनेगी। तलवार जो है केजरीवाल है ना, तो हम ढाले उसके साथ, केजरीवाल की ढाले। हाँ केजरीवाल पे तू इतना भरोसा? हमें केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है। जल ही जीवन है, लेकिन जब जल पर ही संकट आ जाए तो आखिर आम नागरिक क्या करे और क्या ना करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सरकार की योजना की। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो तमाम मूलभूत सुविधाएं दिल्ली की जनता को मुहैया करा रही है। और ऐसे में कोरोना काल से लेके अब तक कई घरों के ऐसे भी पानी के बिल हैं जो कि हजारों लाखों में जा पहुंचे हैं, जबकि उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं ना कहीं धरातल पर लोगों के ना पहुंचने की वजह भी इसकी रह चुकी है, और कोविड काल में लोग थोड़ा सा इधर उधर लापरवाही भी बरते, ये भी उसकी वजह रही है। हालांकि लोगों की समस्याएं लगातार सरकार के सामने आती रही, और जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की। जी हाँ, जल बोर्ड के तहत जिनके बिजली पानी के बिल हजारों लाखों रुपए आ चुके हैं, उनके लिए एक वन टाइम सेटलमेंट योजना लेके दिल्ली सरकार आ रही है, जिसे दिल्ली कैबिनेट में पास कर दिया गया है। लेकिन धरातल पर नहीं आई है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। आधे से ज्यादा अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है, और उपराज्यपाल की सहमति नहीं बन पा रही, जिसके चलते इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा। लेकिन क्या वाकई में ऐसी कुछ चीजें हैं? क्या लोगों के पानी के बिलों में गड़बड़ी आ रही है? क्या लोगों के पानी के बिल हजारों लाखों पहुंच रहे हैं? और क्या वाकई में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को धरातल पर लाना चाहिए? इसे लेके इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में है, और यहाँ पे कई यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और इन स्थानीय लोगों से एक एक करके जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार की इस योजना से ये कितना चाहते हैं, सहमत हैं और कितने असहमत हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम उत्तम चंद्र। सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लेके आ रही है, आपको क्या लग रहा है, सही है या गलत? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, वजह क्या है? ऐसा है, इसलिए आना चाहिए, जो जो बिल आ रहे हैं, दुनिया भर के बिल आ रहे हैं, जिसमें किसी के 20,000, किसी के 30,000, जो रीडर आते हैं वो रीडिंग लेते हैं, आ रहा या नहीं? बिल सही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नहीं गड़बड़ ये है उसमें, जो बिल जो मीटर चल रहा है वो गलत चल रहा है। कई बार क्या होता है, स्टॉप का मीटर चल रहा होता है, स्टॉप का वो एवरेज बिल दे देते हैं। वो कब से ये समस्या आ रही है? काफी समय से चल रहा है ये। लेकिन जो कह रही सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लेके आएंगे, उससे चीजें बेहतर हो जाएंगी, 90% लोगों के घरों के पानी के बिल जीरो हो जाएंगे, आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, वो तो जरूर, वो तो चाहिए सबको, उनको भाई पानी का बिल माफ होने चाहिए। जो सरकार ला रही है बिल्कुल सही कर रही है, सही कर रही है। चलिए और लोगों से जानते हैं। नाम क्या आपका? मैं दीपक अबो, करोल बाग विधानसभा। पानी का बिल सही आ रहा है या गलत आ रहा है? नहीं, पानी के बिल बहुत बड़े भी आ रहे हैं, और जनता जो है बहुत परेशान है पानी के बिलों को लेकर। पहले कोरोना, ये बड़े इसलिए आ रहे हैं, पहले कोरोना काल में रीडिंग हो नहीं पाई थी, तो अफसर जो थे वो घर बैठे ही अपनी रीडिंग को एवरेज बिल करके भेज दिया करते थे। लेकिन जब बाद में जब वही समय आया, और बाद में एक कोरोना खुलने के बाद लगभग एक साल के बाद, तो वही रीडिंग उन्होंने दोबारा करके और 3 से 4 गुना बिल बढ़ाकर जनता को थोप दिए हैं, और जिसका विरोध हमारे अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के सीएम, और उनका विरोध कर रहे थे कि ये बिल कम किए जाएं, और जिसकी इसको पास कराने के लिए एलजी के पास फाइल भी भेजी गई थी, लेकिन वो फाइल रोक दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर इतना पड़ा एलजी के पास कि उन्होंने वो फाइल भी रुकवा दी है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी अफसरों पे दबाव डाल रही है, और दूसरी तरफ कह रही है कि हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आना चाह रहे हैं। कितनी क्या लग रहा है आपको इन सारी चीजों को देख करके, आम नागरिक के नाते? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चाहती तो वो पहले ही अरविंद केजरीवाल ने फाइल दी थी एलजी के पास, तो वो साइन करते और इसको आगे प्रोसेस में लाते। लेकिन जो अफसर हैं वो इतने डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर कुछ भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी उन अफसरों को इतना डरा देती है कि वो कुछ करने के लिए आगे बढ़ते ही नहीं है। इसीलिए सभी फाइलों को रोक दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो राज्य है दिल्ली जो राज्य है वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इस वजह से इसके सारे कार्य जो होते हैं राज्यपाल देखते हैं, एलजी देखते हैं। अगर ये वन टाइम सेटलमेंट योजना आती है तो आप लोगों को क्या फायदा होगा इससे? इससे हमें ये फायदा होगा, जैसा कि हमारा बिल जितना भी बढ़ के आया है, तो हम सबसे इस्तेमाल किया पानी ना, तब बिल बढ़ा है,
तो फायदा क्या होगा? हमने बिल, जो हमारा बिल आ रहा है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अगर हमारा बिल सही आएगा तो हम उस बिल को भरेंगे और अरविंद केजरीवाल जी के जो नियम ला रहे, जो ला रहे हैं वो स्कीम, उसको पास किया जाए एलजी के द्वारा। इससे ही हमारी जनता का फायदा होगा। सर, क्या लग रहा है आपको कि ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, इधर आ जाइए, कि ईडी सीबीआई अफसरों पर दबाव डाल रही है और कह रही है कि अगर आप इसको लाएंगे तो आपके खिलाफ जांच करा दी जाएगी, आपको ऊपर कई तरीके के मुकदमे चला दिए जाएंगे, सहमत है इस तरीके की बयानबाजियों से? ये एक है ना राजनीति चाले हैं बीजेपी की, जो कि ये चाहती है कि ये जो आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी इसने तरक्की करी है इसको दबाना चाहती है। वो चाहते हैं कि ये पार्टी खत्म होनी चाहिए कैसे भी। ईडी आम नागरिक है, आपके हिसाब से कितनी तरक्की कर ली उसने आम आदमी पार्टी? आज राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है, राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। आपको क्या लाभ मिल रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है? हमारे तो पानी के बिल और बिजली के बिल से काफी राहत थी और काफी अच्छा फायदा हो भी रहा था घर के अंदर, और स्कूल की भी सुविधा है, अस्पतालों की सुविधा बहुत अच्छी दी गई, मगर इससे पहले किसी ने, सरकार ने नहीं दी। जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है बीजेपी पर, सही लग रहा है या गलत लग रहा है या राजनीति लग रही है? नहीं, बिल्कुल सही लगा रही है, वो बिल्कुल सही लगा रही है आरोप कि ये काम नहीं करने दे रहे। तो क्या ईडी सीबीआई से मुकदमे करवाएगी? तो वो पार्टी को दबाना चाहते हैं ना, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, वो इसी बहाने डरा के उनको बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? अगर आज एक छोटा सा मुजरिम अगर कोई बंद होता है तो उसके फौरन 8 दिन बाद में 15 दिन बाद चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है। तो जब इनके ऊपर अगर आरोप साबित हो रहा है तो चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हैं? क्यों इनको बैठा के रख रखा है? वो सिर्फ इसलिए बैठा रखा है कि जनता के बीच में इनकी बुराई हो और ज्यादा से ज्यादा जनता इनको बुरा बोले, इसलिए ये चाहते हैं कि जनता के बुरे बने। आप जनता हैं, आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और ये बाहर होना चाहिए और जनता की सेवा यूं ही करते रहे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, जिससे कि आम गरीब लोगों को, जनता को फायदा होना चाहिए। इसका लागू क्यों नहीं हो रही है? लागू इसलिए नहीं हो रही कि जो एलजी महोदय हैं यहाँ के, वो लागू करना नहीं देना चाह रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ये लागू कर दी तो इनको अपने चुनाव के अंदर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको क्या फायदा होगा अगर ये स्कीम लागू होगी तो? अगर हमको क्या फायदा होगा? सिर्फ हमारे कोई नहीं, सिर्फ हमें ही नहीं, ये पूरी जनता को फायदा होगा, गरीब जनता को फायदा होगा, जो कि रोज अपने कुआ खोदते हैं, पानी पीते हैं, जिनके पानी के बिल माफ होंगे और वह चैन से रह सकेंगे। आपके घर का पानी का बिल सही आ रहा है या नहीं? मैम सभी का ये हाल है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके घर गलत ही आ रहा है, इतना पानी हम यूज नहीं करते हैं। आ रहा है बिल अमूमन हमारे इस टाइम कम से कम भी 70-75 हजार रूपए का बिल बना हुआ है, जबकि हमारे एक 5 आदमियों की फैमिली है सिर्फ ना, 5 आदमी लगा लीजिए, 5 आदमी कितना पानी यूज करेंगे? इस समस्या के समाधान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना ला रही है, 90% लोगों के पानी के बिल जीरो हो जाएंगे, क्या कहेंगे आप? बहुत जरूरी है ये, इससे जो भी पैसा बचेगा हमारे बच्चों के काम आएगा, हमारे किचन का जो खर्चा है उसमें बढ़ेगा। ये सेटलमेंट योजना बहुत अच्छी है, जो कि बीजेपी नहीं चाहती है कि ये हो। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी दबाव बना रही है अफसरों पर, लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल यही बात है, बीजेपी ये दबाव बना रही है। क्यों बनाएगी बीजेपी ये दबाव? बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, और अब वो केजरीवाल जी को भी बंद करना चाहते हैं। उनकी पॉलिसी यही है कि दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी तो दिल्ली में बीजेपी का राज चले। बातें कही जा रही है कि ईडी सीबीआई से मुकदमे किए जाएंगे, जो आम आदमी पार्टी कह रही है अफसरों पर, जो इस बिल को लेकर की स्कीम को लाने में अपना सहयोग करेंगे, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सत्येंद्र जैन जी जेल में नहीं होते, हमारे मनीष सिसोदिया जी जेल में नहीं होते, हमारे संजय सिंह जी जेल में नहीं होते। ईडी और सीबीआई के जरिए ही बीजेपी ने हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही साहसी हैं और वो किसी से डरने वाले नहीं है। योजना आएगी, हमारी तो पूरी कोशिश है और हम आश्वासन भी करते हैं और पूरी भरोसा है सरकार पे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा भरोसा है और वो जनता के लिए मर मिटने वाले इंसान है और वो जरूर इसका कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगे। कहते हैं कि करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। पानी का काम ज्यादातर घर की महिलाएं करती हैं, क्योंकि कपड़े धुलने, बर्तन धुलने, खाना बनाना, सफाई करना, सब में पानी का अमूमन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुछ राय महिलाओं से भी जान लेते हैं। आंटी कहाँ रहती हो? यही रहते हैं हम तो, बापा नगर। बापा नगर मतलब यही क्षेत्र में। हाँ, पानी का बिल सही आ रहा है या गलत? गलत आ रहा है, बहुत गलत। क्या आ रहा है उसमें? बड़बड़ के आ रहा आंटी? आ रहा, आप पहले इनसे पूछ ले, बड़बड़ के आ रहा?
बढ़ के आ रहा है। हाँ, दिल्ली सरकार कह रही है वन टाइम सेटलमेंट योजना लेके आने के लिए, सही है या गलत? सही है। क्या सही है उसमें? जो हमारा माफ हो जाएगा बिजली का, कोई कुमाने वाला है, किसी के है किसी के नहीं है, जिसके नहीं है हमारे जैसे की, तो हम तो ये सोचेंगे बहुत अच्छा काम करा हम, और ये तो करते हैं। कौन करता है? विशेष रव जी। नहीं, मैं सरकार की बात, केजरीवाल करते हैं, केजरीवाल करते हैं, नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए बिल्कुल। हमारे गरीब आदमी चार जने हैं, 50-55 हजार का बिल दे दिया। पहले कितना बिल आता था? पहले जीरो है, ये बिल हमारे पास सारे। अच्छा, दिखाइए एक बार। तो देखिए बिल है, ये महिलाएं हैं, क्योंकि घर के सारे काम काज महिलाएं पानी के द्वारा ही करती हैं। ये बिल लेके आप लोग चल रही हैं, पानी के बिल इतने बढ़ के कैसे आ गया? पानी तो इस्तेमाल किया होगा आपने। ये देखो कितने बिल है, देखो। पहले नहीं कर रहे थे क्या? पहले भी तो कर रहे थे। अब उसने क्या अपनी वो बनाना चाहता है? दिल्ली उसकी नहीं बनेगी, दिल्ली मोदी की दिल्ली नहीं बनेगी, मोदी की दिल्ली नहीं बनेगी। क्या लग रहा है, स्कीम आप आएगी? हाँ आएगी, आएगी, आएगी। कैसे आएगी? लाई नहीं जा रही है? लाएंगे विशेष रूप से। कौन लाएगा? हम साथ, केजरीवाल जी लाएंगे, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल लाएंगे। तलवार हुआ तो डाले, मैं तलवार जो है केजरीवाल है ना, तो हम ढाले उनके साथ में, केजरीवाल की ढाले। हाँ, और क्या लग रहा है, आएगी इसकी? आएगी जी, आएगी, आएगी। कहाँ आ रही है? आई नहीं रही है, कितने दिन से चल रही है? आएगी, आएगी, आप सब बताए, आएगी। केजरीवाल पे क्यों इतना भरोसा? हमें केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा, मोदी अच्छा नहीं है। सबकी सुनता है, काम करता है, तभी तो बंदे हैं, हाँ भर रहे उसकी। गलत आदमी होता तो हाँ भरते ही नहीं कोई भी, ये बात तो होता है ना मैडम। अच्छा आदमी, ना गाली बकते, ना कुछ, अच्छी तरह बात करते हैं, हाँ आशीर्वाद लेते हैं। कहाँ जाती है? इनके घर पे जाते हैं ना, हमें चाय नाश्ता देते हैं। आम नागरिक से मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं। हाँ जी, कभी मुंह उठा के ऐसे घमंड नहीं उनके। अच्छा। कभी मैं मेंबर बढ़ गया, मैं इतना बड़ा आदमी बढ़ गया। भरोसा है अरविंद केजरीवाल पर कि वो लाए? पूरा पूरा भरोसा है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कह रही है, अफसरों को कहा जा रहा है, ईडी सीबीआई के मुकदमे कराए, कट जा रहा है, हम तो केजरीवाल को लाएंगे, लाएंगे केजरीवाल को, लाएंगे केजरीवाल को। क्या है केजरीवाल? अच्छे आदमी है आप? हमारे कुछ नहीं है, वोटों से जीतता है जो काम करता है बंदा, वो जीतता है। मैडम ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हो? बेटे नहीं आपके? बेटे ही हैं, बेटे ही हैं हमारे, बेटे ही। हम कब तक ही आएगा? और कोई नहीं आएगा। कुछ कहेंगे केजरीवाल के लिए? क्या नहीं बोलेंगे? बोलेंगे उनके लिए, उनके लिए बोलेंगे, आगे भी तरक्की वही करे जैसे अब तरक्की करते आए, उससे भी दुगन तरक्की करे भगवान, उसको बहुत अच्छे से करे। साथ दे रहा ऊंचे बड़े को, गरीबों को भला करे। अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आदमी। आप चाहती हैं कि ये स्कीम आए पानी के बिल की? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल हमारा फायदा है। बेटा गरीबों के पास काम नहीं है, केजरीवाल से जीतना चाहिए, पानी से जीते ना जीते, पानी का बिल तो हमें भरना ही है जब इस्तेमाल करेंगे तो। पर ये ना केजरीवाल काम अच्छा कर रहा है, वो बंदा बढ़िया है, बंदा बढ़िया है। कुछ कहेंगे केजरीवाल के लिए? कहते रहे बेटा बहुत अच्छा आदमी है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा। दिल्ली में तो मोदी काम धंधा सब खोस लिया, क्या रखा हमारे लिए? काम नहीं, कुछ नहीं। हाँ बच्चे क्या करे, कहाँ से खाएंगे? केजरीवाल अच्छा आदमी है, क्या कर रहे हैं? आओ केजरीवाल के हाथ में कुछ दे रहा है क्या? कुछ तो दे रहे नहीं, उसको तो दबा रहा। और ये स्कीम आनी चाहिए पानी वाली, आनी चाहिए बेटा, आनी चाहिए, भी आनी चाहिए। चलिए तो देखिए, महिलाएं हो या पुरुष, हर किसी के जुबा पे बसे के नाम है कि वन टाइम सेटलमेंट योजना आनी चाहिए। दिल्ली की जनता के जो पैसे हैं वो बचने चाहिए, जो पानी का ज्यादा बढ़ा हुआ बिल है वो कम होना चाहिए। और तो और लोगों को अरविंद केजरीवाल पे पूरा भरोसा भी है, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं तो लेकर के आएंगे, क्योंकि वो इतना बेहतरीन कार्य करते हैं कि हमने उनको अपनी वोट की ताकत से चुना है। लेकिन देखना होगा दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल के बीच की लड़ाई कहां तक पहुंचती है, और आम जनता का कितना समर्थन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।